प्रेम की एक अद्भुत विशेषता वो ये है कि जरा सा कहीं कृष्ण का प्रेम की गंध मात्र भी कहीं देखे उसके प्रति आदर, ये भी कोई बात हो गई। अयोग्य के प्रति आदर और अयोग्य के प्रति ईर्ष्या। तो अब यदि श्याम सुंदर कभी बलराम जी के पास में खड़े हैं और श्री बलराम के आगे श्री श्याम सुंदर स्वर्ण को अपने कंठ से लगाए तो श्री किशोर जी कहती है कि अरे सुवर्ण, तूने कौन सा मंत्र जपा था, किस वन में जाकर के तूने तप किया, कौन से नियमों का पालन किया कि तुझे इतना सौभाग्य मिला कि गुरुजन सामने खड़े हुए हैं, श्री बंदाऊ जी सामने खड़े हुए हैं, परंतु बंदाऊ जी के सामने भी गुरुजनों के सामने भी श्री कृष्ण केवल तुझसे बोलते ही नहीं है, आए हमारी कहते गुरुजन सामने खड़े हो तो हम कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती है और श्याम सुंदर भी आंख में आंख डाल करके चौनिया करके हमको देख नहीं सकते हैं। माता पिता गुरुजनों के आगे कभी कृष्ण के साथ में चातुराक्षिप प्रीति हम नहीं कर सकती है, चौनजना नहीं कर सकती है, आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकती है, परंतु यहां देखो कि केवल तेरे प्रति स्नेह मात्र प्रकट कर रहे हैं, केवल आंख से आंख मिलाकर के तुझे बात नहीं कर रहे हैं बल्कि तेरा आलिंगन कर रहे हैं, हमको ये सौभाग्य कहा। और कहा स्वर्ण का सौभाग्य और कहा श्री किशोरी जी का, स्वर्ण को किशोरी को जो सुख मिल रहा है, जो सौभाग्य मिल रहा है उसका एक अंश भी स्वर्ण में उस तुलना में नहीं होगा, परंतु स्वर्ण के प्रति भी आदर की भावना, ये श्री प्रिया प्रेम की अद्भुतता, ये दो विशेषताएं ऐसी कि अयोग्य के प्रति ईर्ष्या और कृष्ण गंध मात्र प्राप्त करने पर भी अत्यंत अत्यंत आदर प्रदान करना, ये प्रिया के प्रेम की अद्भुतता। श्री प्रिया प्रेम की मूर्ति होकर के विराजमान और जब श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ में विराजमान उस समय उनको किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं है, अन्य नायिका का भी स्मरण नहीं है, ऐसी उनकी अपूर्ण महिमा विराजमान। उन किशोरी जी के अनुगत्य के बिना न तो लीला रस का प्राप्त किया जा सकता है, न उस माधुर्य का आस्वादन परिपूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। श्री राधाष्टमी का उत्सव परम आनंदमय उत्सव भगवृंदावन में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हमारे इस ब्रह्मांड में राधाष्टमी हो गई होगी, पहले 5,241 वर्ष पहले 41 वर्ष पहले, पर वहां पर जो प्रीति है गोलोक में भी विराजमान और उस गोलोक की जो गोलोक विहारिणी है वे भी जब किसी ब्रह्मांड में श्री राधा जन्म महोत्सव के इस आनंद को देखती होंगी तो उनके हृदय में भी अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है और कहती है अरे सखी आज प्यारे का प्यारियों का जन्मदिन है, चलो आज श्याम सुंदर के आदेश प्रदान कर रहे हैं आज मुकुंज मंदिर को भी सजाओ, और श्याम सुंदर के आदेश से आज मुकुंजेश्वरी का जन्मदिन है और किसी ब्रह्मांड में उनका जन्म भी हो रहा है, जैसे उस ब्रह्मांड में जन्म महोत्सव हो रहा है इसी प्रकार यहां नुकुंज में भी हम जन्म महोत्सव मनाते हुए विराजमान, तो कहीं जन्म महोत्सव हो रहा है कहीं जन्मदिन मनाता हुए विराजमान है। तो इस जन्म महोत्सव में श्री प्रिया जी श्री भुषवान दावा और श्री किशोरी जी की जितने भी रसिक जन हैं उन सबों से प्रेम की भिक्षा प्रेम के दधकारे में हम भी डूब जाए इसी प्रार्थना के साथ श्री किशोरी जी के उस प्रेम के एक अंश को प्राप्त करके जो जीवन का परम धन्य है हम कृतकृत्य हो, ये महामहोत्सव इसमें हम भी सम्मिलित हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, चलो पुष्पान गोप के द्वार।
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।